ये इलेक्शन यकीनन अहम है। आज़म खान साहब की परंपरागत सीट है, 10 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। रामपुर के आवाम का इतना शानदार रिश्ता है कि उन्होंने कभी 37 विधानसभा से आज़म खान साहब की बात को हल्का नहीं होने दिया है। 11वीं बार भी ये सीट आज़म खान साहब की झोली में बड़ी भारी अक्सरियत से जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ आसिम राजा मौजूद हैं, सपा के प्रत्याशी हैं। आज़म खान ने एक बार उन पर फिर भरोसा जताया है, पूछते हैं क्या कहेंगे आसिम साहब। एक कार्यकर्ता पर हमारे नेता ने आज़म खान साहब ने भरोसा जताया है। लोकसभा के इलेक्शन में भी उन्होंने ये मौका दिया था और लोकसभा का इलेक्शन जिस तरह हुआ और यकीनन हमारी जीत जितने करीब थी, लेकिन उसको रोकने के लिए जो काम हुआ सबके सामने है, आपने भी देखा है, मीडिया ने लिखा भी है, देखा भी है, कैमरे की आंख से भी देखा है। एक मरतबा फिर आज़म खान ने इस विधानसभा जो उनके परंपरागत सीट है उन्होंने अपने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है और रामपुर के लोगों से आज़म खान साहब का बहुत लंबा बहुत मोहब्बत भरा रिश्ता है। और आज़म खान साहब ने 40-45 साल की राजनीति में रामपुर को बदलने, विकास से जोड़ने और रामपुर का नाम रोशन करने के लिए जो काम किए हैं वो सब लोगों के इल्म में है। एक एक यहाँ का शहरी मर्द या औरत सब जानते हैं, नौजवान बूढ़े सब जानते हैं। ये इलेक्शन यकीनन अहम है। आज़म खान साहब की परंपरागत सीट है, 10 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। रामपुर के आवाम का इतना शानदार रिश्ता है कि उन्होंने कभी 37 विधानसभा से आज़म खान साहब की बात को हल्का नहीं होने दिया है। 11वीं बार भी ये सीट आज़म खान साहब की झोली में बड़ी भारी अक्सरियत से जाएगी इंशाअल्लाह। आसिम साहब, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जब उपचुनाव पार्लियामेंट का हुआ तो फिर एक बार आप पे भरोसा दिखाया, जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ फिर आप पे भरोसा दिखाया, तो ऐसी क्या खासियत है आसिम राजा साहब? ये उनके सोचने का है मसला कि वह उन्होंने अपने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। कार्यकर्ता तो और भी हैं। नहीं, ये एक लंबा, अब वो तो ये नेता समझता है किसको क्या जिम्मेदारी देना है, इसमें मैं आप क्या सवाल कर सकते हैं। ये नेता समझता है कि किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देना है। हमारा काम यह है कि हमें जो जिम्मेदारी मिलेगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हमेशा आज़म खान साहब के विकास, रामपुर का विकास, रामपुर की सुरक्षा, भाईचारे का माहौल, हमेशा आज़म खान साहब का ये मुद्दा रहा है। शहरियों की इज्जत की हिफाजत, यहाँ तरक्की, तालीम का काम जो आज़म खान साहब ने किया है पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है, यही आज़म खान साहब का है कि रामपुर को तरक्की की रफ्तार से जोड़ा जाए। लेकिन पिछले 4 साल से जो जुल्म हो रहा है, जो हालात पैदा किए जा रहे हैं और इस रास्ते में जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, लोग देख रहे हैं, इसका जवाब देंगे। उपचुनाव पार्लियामेंट का हुआ, आपने लड़ा, और अब जो विधानसभा उपचुनाव लड़ना, तो उसमें कितना आप फर्क महसूस कर रहे? कोई फर्क नहीं, वो भी चुनाव था, ये भी चुनाव है। उसमें 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सदर की है, बहुत अहम है। आज़म खान साहब की परंपरागत सीट है, रिवायती सीट है उनकी, और इस सीट पर कभी भी लोगों ने आज़म खान साहब को मायूस नहीं किया है। तमाम हालात के बावजूद पिछले 37 विधानसभा में भी हम जीते थे, अब और बड़े मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया हमसे बात करने, बहुत बहुत। रामपुर से आमिर खान, हमने बात की आसिम राजा से, रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।